शहीद हुए हैं उनके जो परिवार के लोग हैं उनका सम्मान क्या है, उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में माया देवी जी हैं। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं। माया देवी जी, आप परिवार के अंदर कितने मेंबर हैं? हम छह मेंबर हैं। मतलब वो एक आप और चार बच्चे, एक मेरे सासू जी और चार बच्चे हैं। हाँ। अब परिवार के अंदर अब किस तरीके का आप रहन सहन है? गरीब परिवार से जी, हम गरीब परिवार से हैं जी। जसवंत सिंह जी क्या करते थे? नौकरी, ये 2.5 साल नौकरी करी थी, पहले मोटर बांधते थे। उसी में उसके दौरान लगे थे नौकरी। अच्छा अच्छा, तो अब परिवार के जो बच्चे हैं, जो आपने पांच बच्चे बताए, एक सासू बताई, चार बच्चे, एक आप और एक सासू, तो ये बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जज्जर हरियाणा से, फिरोज गांव। हरियाणा के? हाँ जी। तो परिवार के साथ वो एक शांतिपूर्वक सारा काम चल रहा है? हाँ जी। जो सरकार ने जो आपको वायदे किए थे कि हम ये आपको काम करेंगे वो करेंगे, सरकार कितनी खरी उतर रही है? बिल्कुल भी नहीं उतर रही सर। सरकार कुछ नहीं उतर रही? नहीं, ये पहली बार हुआ, यहाँ सम्मान हुआ हमारा। पहली बार ये सम्मान? हाँ, ये सम्मान पहली बार हुआ हमारा, बाकी कोई लेन देन नहीं है उधर गांव में भी, सरकार का भी कुछ भी नहीं। और हरियाणा सरकार ने कुछ भी नहीं दिया अभी तक कुछ भी। और केंद्र सरकार ने अभी तक नौकरी के लिए बोला था, वो भी नहीं मिली मेरे बेटे को। नौकरी के लिए बोला था? हाँ बोला था, ना मेरे को मिली ना मेरे बेटे को मिली, किसी को नहीं मिली। बड़ी विनम्रता वाली बात है कि जो लोग शहीद होते हैं, जिनका परिवार है, किन परिस्थितियों से गुजरता है, और जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, नेता होते हैं, चंद बातें कहकर वो हट जाते हैं, बाद में कोई बात उनकी नहीं सुनता है। आज वही माया देवी ने बताया कि हरियाणा सरकार भी नहीं कोई सुन रही है, ना केंद्र सरकार सुन रही है। आइए और जानकारी देते हैं।